7 अगस्त के करंट अफेयर के सेशन में डीडी एकेडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाने के पहले कुछ चीजों को बोलना काफी जरूरी है। देखिए, 370 धारा तो रद्द हो चुका है, अब है 371 का क्या? क्योंकि इन सवालों से मैं आज इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहला है क्या कि अब देखो, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 हो चुके हैं। देयर इज ए 9 यूनियन टेरिटरीज, अब 9 हो चुके हैं। लेकिन उसमें आपको याद ये रखना है, बगैर विधानसभा, मतलब जिसमें कोई विधानसभा होता नहीं है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, चंडीगढ़ है, दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड है। इसमें जुड़ा हुआ है लद्दाख भी, जिसके अंदर में कोई विधानसभा नहीं होगा। और यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर्स, मतलब जिसमें विधानसभा होंगे उसमें ऑलरेडी पुडुचेरी है, अपना दिल्ली है, और इसके साथ साथ जानते हैं कि आज जो है जम्मू और कश्मीर भी जुड़ गया, जिसमें अभी विधानसभा स्थापित होंगे। तो चलिए, ये जो है पहले, सबसे पहला ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य याद करें। इसके लिए इसके पीडीएफ फाइल जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है उसे आप अवश्य संग्रह करें। अब आगे चलते हैं। एक सवाल आता है कि क्या 370 जो खत्म हो गया है, अब 371 की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, वहां भी जम्मू कश्मीर की तरफ वही हालात है कि नागालैंड के नागरिक वहां जमीन खरीद सकते हैं, देश के अन्य किसी राज्य की व्यक्ति नागालैंड की जमीन नहीं खरीद सकता, इसे आपको जान के रखना काफी जरूरी है। इसी के साथ साथ आता है सिक्किम। सिक्किम में देखिए 371 एफ का वहां पे लागू है, इसलिए सिक्किम सरकार के पास पूरे राज्य की जमीन का वो अधिकार है, चाहे वो जमीन भारत में विलय से पहले किसी का निजी जमीन ही क्यों ना हो। यहां किसी तरह की जमीन विवाद में देश के सुप्रीम कोर्ट या संसद का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस प्रावधान के तहत सिक्किम की विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का है। तो याद रखेंगे, सिक्किम के बारे में हमें इस पे सवाल आ सकते हैं। उसी तरह हम मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में 371 जी है, उसके अनुसार जो है मिजोरम के जमीन का मालिकाना का हक जो है वहां पे बसने वाले आदिवासियों को है, वहां पर मिजोरम में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 371 जो हिमाचल प्रदेश में लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी आप वहां रहने के लिए तो जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन खेती करने के लिए कोई जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह 371 एच जो है अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर है राज्यपाल के पास राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विशेष अधिकार है, और वो मुख्यमंत्री के फैसले को वो रद्द कर सकता है। तो हमें जो क्या है कि ये इसके अलावा असम में भी है, तो हमें इन सारे चीजों को एक अलग मैं वीडियोस को देने वाला हूं, और ये सब पे अब जरूरी है क्योंकि ये सब जो है किसी न किसी तरह से आपके परीक्षा में सवाल के रूप में आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है कि भारत की पहली महिला विधायक कौन है जिनके सम्मान में गूगल ने डूडल बनाया है। ये जो है मुथु लक्ष्मी रेड्डी हैं। मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो हैं वो भारत की पहली विधायक थी जिसका 133वां जन्मदिन जो है 30 जुलाई को मनाया गया है, और गूगल ने मुथु लक्ष्मी रेड्डी के सम्मान में डूडल बनाया है। मुथु लक्ष्मी एक भारतीय शिक्षक, सर्जन, समाज सुधारक हैं। मुथु लक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली विधायक होने का भी गौरव प्राप्त है। मुथु लक्ष्मी तमिलनाडु के सरकार अस्पताल में सर्जन के रूप में काम करने वाली पहली महिला भी है। तो मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो है, देखिए यहाँ पे याद रखना होगा क्या है कि वो पहली जो है सर्जन महिला के रूप में काम की थी, और वो पहली हिंदुस्तान की महिला विधायक थी, और मुथु लक्ष्मी जो है सरोजनी नायडू की समकालीन थी, और इस साल हमने उनका 133वां जन्मदिन मनाया। अब हम आगे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से
किस भाषा के कलाकारों को फेलोशिप दिए जाने की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो ये संथाली लैंग्वेज है। याद रखेंगे इस बार संथाली और नेपाली भाषा को जो है उसके भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से लिया गया है। इस घोषणा के बाद भारत की 22 भाषाओं के कलाकार साहित्य कला फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें नेपाली और संथाली जो है इसमें जुड़ गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान में 35A अनुच्छेद संविधान को कब जोड़ा गया था? देखिए अब परीक्षा के दृष्टिकोण से अब ये सवाल जो है ये महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो जानेंगे कि 35A जिसे अभी निरस्त कर दिया गया है वो 14 मई 1954 को जो है वो संविधान में जुड़ा गया था, और इसमें था कि कश्मीर के राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने का और उनके अधिकारों के उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। मतलब 35A ये बताता था कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदा कौन है, स्थायी निवासी क्या है, और 35A ही वो धारा है जिसमें भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की सहमति से ये राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था। ये 14 मई 1954 को जारी किया था, और जिसके अनुसार क्या है कि जितने भी आपके सरकार के विशेषाधिकार हैं वो वहां के केवल निवासी को प्राप्त हो सकते हैं, बाहर से किसी आए हुए बंदे को नहीं। और ये 35A जो है अब निरस्त हो चुका है, तो इसके ऊपर सवाल बनना भी लाजमी है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं वो है किस शहर को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो मिलेगी। हाँ जी हाँ, जमीन के नीचे से पानी से जाने वाली मेट्रो किस शहर में बन रही है, क्योंकि उसमें 50% काम हो चुका है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कोलकाता है। कोलकाता में देखिए जो हुगली नदी है इसको ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम पे बोला जा रहा है। यह पहली नदी मार्ग बन रही है जो 4 किलोमीटर लंबी है, और इसके जाने और आने की 2 सुरंग है, और ये 2 सुरंग जो है ये हुगली नदी के नीचे से जाती है। नदी की चौड़ाई यहाँ 520 मीटर है और बोला जा रहा है कि 2 किलोमीटर से अधिक का काम हो चुका है। इसके ऊपर 8,572 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इस भारतवर्ष का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता मेट्रो बन रही है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया। जी अमेरिका ने घोषित किया है, चीन के साथ उनकी बगावत है, तो उन्होंने चीन को जो है उसको जो है अनुचित प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए युआन का इस्तेमाल करने पर आधिकारिक तौर पर करेंसी मैनिपुलेटर देश घोषित कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, गुजराती कांति भट्ट जिनका हाल में देहांत हो गया वो क्या थे? वो काफी ही इस देश के प्रसिद्ध पत्रकार थे, इनके बहुत सारी उन्होंने पेपर जैसे चित्रलेखा हुआ, मुंबई समाचार हुआ, जनशक्ति हुआ, संदेश हुआ, युवा दर्शन हुआ, जनसत्ता हुआ, व्यापार और अभियान, इस तरह के सारी गुजराती प्रकाशनों में पत्रकार, लेखक, समीक्षक और संपादक रूप में को काम किया, और 88 वर्ष के उम्र में जो है कांति भट्ट जी का देहांत हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यूजेसी का 542वीं बैठक का आयोजन किया गया है? ये एन गोपाला स्वामी है, एन गोपाला स्वामी के क्या कहते हैं अध्यक्षता में एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी, सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने की रिपोर्ट पर विचार किया गया, जिसमें 15 सरकारी संस्था और 15 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानीय का दर्जा दिए जाने की बात की गई है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का लगभग 3600 साल पहले का ग्रामीण बस्ती का पता चला है? देखिए ये 3600 साल पुराना है, जो कि आपको अगर बोले तो मोहनजोदड़ो से भी पहले का बात आ जा रही है। ये उड़ीसा में है,
तो अभी तक जो इतिहासकार को जो भी चीज मिला हुआ था इसमें कुछ सवालिया निशान भी बन रहे हैं। ये जो हमारा जो है कटक में जो है के जलारपुर में ये गांव का पता चला हुआ है जो 3600 साल पुराना है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में यूजीसी ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी रोधी मतलब एंटी प्लेगियरिज्म किस सॉफ्टवेयर की सदस्यता देने की घोषणा की है, यह है उर्कुंड। उर्कुंड जो है ये एक स्पेनिश सॉफ्टवेयर है जो है कि जिससे आप जो है किसी के लिटरेचर को उसके लिखे हुए चीजों को आप चोरी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है उर्कुंड। अब नेक्स्ट आते हैं कल का जो सवाल था, धारा 370 के किस प्रावधान को अभी भी बरकरार रखा गया है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि केवल एक जन छोड़ के सबने इसका सही जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि आप सभी जो हैं इन चीजों पर काफी ज्यादा पैनी नजर रख रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने में विधानसभा का प्रावधान नहीं है, तो उसमें आपको बताना है। मैं जानता हूं कि ये अति सरल सवाल है लेकिन अति महत्वपूर्ण भी है, तो आप इसका सही जवाब अवश्य देंगे। आपके जवाब के इंतजार में मैं रहूंगा, आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।